नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रदेश प्रभारी प्रवीण मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके संगठन का समर्थन प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह को दिया है। आपको बता दें कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी रतन पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने इस संगठन का पूरे देश में कांग्रेस को समर्थन दिया है, इसलिए प्रतापगढ़ में भी कांग्रेस संगठन का समर्थन कर रही है। संगठन के कुछ कार्यकर्ता यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता का समर्थन कर रही है। यह पूरी तरह से निराधार और भ्रमक है। संगठन के ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी से समर्थन की बात कर रही है, उनके खिलाफ चुनाव बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बैठक करके संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमारे संगठन प्रतापगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना का ही समर्थन हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश। तो आपके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लोकसभा चुनाव 2019 में प्रतापगढ़ में किसका समर्थन किया है? प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे राज्य में और पूरे देश में कांग्रेस का समर्थन किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। वही समर्थन हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रतापगढ़ में माननीय राजकुमारी रत्ना जी को देंगे। कांग्रेस को ही समर्थन मिला है। तो सोशल मीडिया पे यदा कदा देखने को मिल रहा है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता को समर्थन दिया है। नहीं, इसका दुष्प्रचार हो रहा है। किसी ने कोई इसका समर्थन नहीं दिया है भाजपा प्रत्याशी का, और न ही इससे कोई लेना देना है। जो भी इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया जाएगा। प्रतापगढ़ में भी आपका समर्थन राजकुमारी रत्ना जी को है? हाँ, प्रतापगढ़ जनपद में भी हमारा राजकुमारी रत्ना जी को समर्थन है। संगम लाल वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं? जी जी, उससे हमारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।